जनपद शामली में खनन माफियाओं के द्वारा अस्थायी मार्ग पर से रेत के वाहनों को निकाले जाने को लेकर ग्रामीणों व राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ में भारी रोष है, जिसके चलते राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी के दर्जनों पदाधिकारी व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खनन माफियाओं के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई एवं उक्त समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की गई। दरअसल थाना कैराना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी दर्जनों ग्रामीण राष्ट्रीय गौ रक्षक वाहिनी गौ सेवा संघ के पदाधिकारियों के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां डीएम को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि कैराना क्षेत्र में नगला राई और मंडावर में रेत खनन का पट्टा चालू है, जिसका रास्ता यमुना पटरी से होते हुए हाईवे पर निकल जाता है, लेकिन खनन माफिया तानाशाही करते हुए अवैध तरीके से रेत से भरे ओवरलोड वाहनों को उनके गाँव के अस्थायी मार्ग से खनन वाहनों को धड़ल्ले से निकाल रहे हैं, जबकि पूर्व में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारी के आदेश पर अस्थायी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन खनन माफियाओं ने फिर से उक्त मार्ग को दोबारा चालू कर दिया, जिससे रेत के ओवरलोड वाहन तेज गति से गुजरते हैं, जिससे अक्सर हादसों की आशंका भी बनी रहती है। खनन माफियाओं की मनमानी से ग्रामीणों एवं संगठन में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते ग्रामीणों ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई व उक्त मार्ग से खनन वाहनों को ना निकाले जाने की मांग की। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार। मोहित कुमार जी, कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, ग्रामीण भी साथ में है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है सर, हमारे यमुना नदी के अंतर्गत गाँव मंडावर में और नगलराय में रेत खनन चली हुई है, जिनका मुख्य मार्ग यमुना की पट्टी से होता हुआ राष्ट्रीय खनन मार्ग पर निकल जाता है, और मैं अवैध तरीके से हमारे गांव के ऐसे क्षेत्र से वाहनों को निकाल रहे हैं। तानाशाही एक तरह आदेशों के बाद हुए आदेशों का अवमानना कर रहे हैं वे लोग। प्रशासन में जो SDM मैडम है वहाँ पर कैराना में, उन्होंने फाइल लगवाई थी अभी चार पाँच दिन पहले। फाइल लगवाने के बाद कुछ ड्राइवर लोग ही किसान मंड के पहुँचे कि हमारे खेत का रास्ता रुकवा दिया, लेकिन वो हमने ऐसे यहाँ से पॉइंट किया था कि उसको ना इधर किसानों को दिक्कत हो ना उधर से, उधर वाले उधर से आ जाए, इधर वाले इधर से आ जाए, कि उन्होंने ड्राइवरों के माध्यम से किसान बना के उन्हें एप्लीकेशन दिलाई कि किसानों को परेशानी, तो रास्ता दोबारा फिर बंद करा दिया। और ऐसे ही अधिक ओवरलोड के वाहन निरंतर दौड़ रहे हैं तेज गति से, कल भी वहाँ पर दुर्घटना होने से बची है दो बार। अच्छा, राजस्व विभाग का भी लाखों रुपये का नुकसान हो रहा हो रोज़ जी, राजस्व विभाग का भी लाखों रुपए का नुकसान होगा फिर, जैसा ओवरलोड बता रहे हैं आप जी, तो पुलिस वगैरह कोई मतलब छापेमारी? जिलाधिकारी महोदय को भी और डीएम साहब को भी, हम सब उच्च अधिकारियों तक अवगत करा रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो क्या आगे का रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति ये रहेगी और या तो भाई हमें गाँव से निकाल दें वहाँ से, या फिर हम बाहर जाम लगाएंगे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे जहाँ से रास्ता। शामली से दीपक राठी की रिपोर्ट।